Assalamu alaikum, dear students. Hope you are fine. Today we shall study math of class 2. We are going to learn concept of subtraction from unit number 3, subtraction. Let's start lecture number 1. Lecture number 1 kya hai? Subtraction of two digits with borrowing. ठीक है, बोरिंग हमने क्या करना है, टू डिजिट्स को करना है विद बोरिंग, मतलब विद बोरिंग मीन कैरी लेना, उधार लेना. ठीक है, हमने वो करना है. सब्ट्रैक्शन का पता सबको, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस. ठीक है, हमने कटिंग करनी है. लेट्स स्टार्ट सॉल्व दिस. ठीक है, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू डिजिट्स है. ठीक है, ऊपर भी टू डिजिट्स है और नीचे भी टू डिजिट्स है, टू रोज हैं. ठीक है, 34 और 22, साथ में साइन कौन सा है, माइनस का. ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है, हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है, हमेशा राइट हैंड साइड से सॉल्व करना है. जिस तरह एडिशन में हम राइट हैंड साइड से सॉल्व करते थे, इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन में भी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से. देखें ऊपर क्या है, 4, तो 4 में से 2 हम कटिंग कर सकते हैं, तो हम बोरिंग नहीं लेंगे. ठीक है, तो 4 में से 2 के, 4 माइनस 2 किए तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, 2. ठीक है, इसी तरह हम सेकेंड कॉलम लेंगे, सेकेंड कॉलम में हमारे पास क्या है, 3 माइनस 2, तो क्या आ गया आंसर, 1, क्योंकि 3 में से 2 हम इजीली कटिंग कर सकते हैं. ठीक है, माइनस कर सकते हैं. अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो, नीचे वाली बड़ी हो, तो फिर हम क्या करते हैं, बोरिंग लेते हैं, मतलब कैरी लेते हैं. ठीक है, ये क्या आंसर आ गया, 1. ठीक है, इस तरह आपका पेज नंबर 51 के बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे. यू कैन सॉल्व इट अदर क्वेश्चन लाइक दिस. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, 1 डिजिट फ्रॉम 2 डिजिट नंबर्स विद बोरिंग. ठीक है, आपने क्या करना है, 2 डिजिट नंबर्स में से 1 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, माइनस करना है विद बोरिंग, मतलब कैरी लेके करना है. ठीक है, उधार लेके करना है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. आपके पास 2 डिजिट्स कौन से हैं, 1s एंड 10s. ठीक है, कौन कौन से हैं, 10s, 1s. ठीक है, अब आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, 10s में क्या है, 5, और 1s में क्या है, 3. ठीक है, ये 2 डिजिट्स आ गए हैं. ठीक है, अब हमारे पास 1 डिजिट रह गया, 1 डिजिट में क्या आ जाएगा, 1s के नीचे क्या आ जाएगा, 9. ठीक है, और हमारे पास क्या है, माइनस करना है. फ्रॉम का मतलब भी सब्ट्रैक्ट है. ठीक है, सब्ट्रैक्ट मीन माइनस. ठीक है, विद बोरिंग अब हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है. ठीक है, हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है. राइट हैंड साइड में आपके पास 1s के नीचे क्या है, 3 और 9. 3 में से 9 को माइनस करें तो नहीं होता, क्योंकि 3 छोटा नंबर है और 9 बड़ा नंबर है. तो हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे, हम बोरिंग करेंगे. ठीक है, कैरी लेंगे, 1 वहाँ से कैरी लिया तो क्या आ गया, 10. ठीक है, 10 की जगह हम क्या लिख देंगे, 1, क्योंकि 1 और 3 क्या बन जाएगा, 13. ठीक है, 1 और 3 क्या बन जाएगा, 13, और वहाँ क्या रह जाएगा, 1 वहाँ से, क्योंकि यहाँ कैरी लिया था, वहाँ क्या रह गया, 4. ठीक है, तो इस तरह हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, हमने सबसे पहले राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है. राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 13. राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 13 1s माइनस 9 1s इज इक्वल टू 4 1s. ठीक है, 13 में से 9 को माइनस किया तो क्या आ गया, 4 1s. तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर, 3 और 9 के नीचे क्या आ जाएगा, 4. ठीक है, और 10s के नीचे क्या है, 4 है, 4 के नीचे कुछ नहीं है. तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, दैट 4 10s डू नॉट चेंज, तो 4 नहीं चेंज होगा क्योंकि उसके नीचे कोई नंबर नहीं है. तो इसलिए 10s के नीचे क्या आ जाएगा, 4. इसका हमारा आंसर क्या आ गया, 44. इस तरह आप पेज नंबर 52 के बाकी क्वेश्चन सोल्व करेंगे. आई होप यू हैव लर्नड इट वेरी वेल. अल्लाह हाफिज़. Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share, and comment the videos. Thank you very much.